Next type under patient assignment system or method of patient assignment is functional nursing. So its features are, this system emerged in 1930 in USA. A number of licensed practice nurses, LPNs, and nurses aides were employed to compensate for less number of registered nurses, RNs, who demanded increased salaries. It is task focused, not patient focused. In this model, the tasks were divided with one nurse assuming responsibility for specific tasks. यहाँ पे patient को आप नहीं patient के basis पे आप divide नहीं कर रहे हो, you are dividing on the basis of the task or function the nurses is responsible for or the nurses can do. So functional nursing में क्या होता है, charge nurse हो गई, then उसके under आपके registered nurse, treatment nurse आ जाती है, then आपके licensed practice nurse nurses, vital sign nurses भी हम बोल सकते हैं, then UAP, hygiene nurses, UAP is nothing but it stands for unlicensed assistive personnel. So ये साथ में क्या करते हैं, एक टीम की तरह काम करते हैं और पेशेंट को केयर प्रोवाइड करते हैं. नाउ विल सी द मेरिट्स ऑफ फंक्शन नर्सिंग. फर्स्ट इज ईच पर्सन बिकम वेरी इफिशियंट एट अ स्पेसिफिक टास्क एंड अ ग्रेट अमाउंट ऑफ वर्क कैन बी डन इन शॉर्ट पीरियड, शॉर्ट टाइम. तो आप कह सकते हो टाइम सेविंग है क्योंकि सब अपने अपने काम पर फोकस कर रहे हैं और जिस वजह से जो एफिशिएंसी बढ़ी हुई होती है, अगर आप एक ही काम को रिपीटेडली कर रहे हो तो कहीं ना कहीं से योर एफिशिएंसी विल इम्प्रूव, यू विल बिकम मोर कॉम्पिटेंट और वो जो स्किल होगी उस पर्टिकुलर केयर से रिलेटेड वो क्या होगी, वो इम्प्रूव होगी. तो टाइम पे काम कंप्लीट हो जाएगा तो आप बोल सकते हो दिस इज टाइम सेविंग मेथड. नेक्स्ट, इट इज़ ईजी टू ऑर्गेनाइज द वर्क ऑफ यूनिट एंड स्टाफ. तो अब सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है तो जो टास्क है या यूनिट का जो ड्यूटीज़ है वो ऑर्गेनाइज करना इसके थ्रू इजी हो जाता है क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक ड्यूटीज़, स्पेसिफिक टास्क या केयर को दे दिया जाता है स्टाफ को. नेक्स्ट, द बेस्ट यूटिलाइजेशन कैन बी मेड ऑफ अ पर्सन एप्टीट्यूड्स, एक्सपीरियंस एंड डिजायर्स. नेक्स्ट बेनिफिट और मेरिट ऑफ दिस मेथड इज द ऑर्गेनाइजेशन बेनिफिट्स फाइनेंशियली फ्रॉम दिस स्ट्रैटेजी. फाइनेंशियली कैसे हेल्प हो रही है, आपके पास चार पांच लोग हैं, पांच छह लोगों की टीम है जो एक स्पेसिफिक स्किल से रिलेटेड उनकी ड्यूटी है तो उससे रिलेटेड वो काम करेंगे तो कहीं ना कहीं से ज़्यादा लोगों को आप कवर कर पाते हो विद दिस मेथड. नर्सेज बिकम हाईली कॉम्पिटेंट विद टास्क दैट रिपीटेडली असाइन टू देम. अब वही चीज़ है, आप एक चीज़ को बार बार कर रहे हो, एफिशियंसी इंक्रीज हो रही है, कॉम्पिटेंट आप होते जाते हो. Less equipment is needed and what is available is usually better cared for when used only by a few personnel. अब एक दो लोगों की responsibility होगी, वो एक एरिया पे ही काम करेंगे तो उससे related जितने भी equipments होंगे उस particular care से related those articles will be in the good condition. क्यों? क्योंकि ज़्यादा लोग उसको use नहीं कर रहे होंगे तो उनकी care ढंग से हो पाती है और कम से कम equipments में उस उन task को complete किया जा सकता है. अब demerits भी इस method की. पहली demerit क्या है, client केयर मे बिकम इम्पर्सनल, कंपार्टमेंटलाइज एंड फ्रेगमेंटेड. अलग अलग लोग आ रहे हैं, अलग अलग केयर दे के जा रहे हैं, एक ही पेशेंट पे इतने सारे लोग आ रहे हैं, इतने सारे स्टाफ मेम्बर्स आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं से वो इम्पर्सनल हो जाती है क्लाइंट केयर. कंटिन्यूटी ऑफ केयर मे नॉट बी पॉसिबल. नेक्स्ट, स्टाफ मे बिकम बोर्ड एंड हैव लिटिल मोटिवेशन टू डेवलप सेल्फ एंड अदर्स. अब आप एक ही चीज़ को बार बार कर रहे हो तो वो चीज़ आपके लिए बोरिंग भी हो सकती है. नेक्स्ट, डीमेरिट्स लीडर स्टाफ आर अकाउंटेबल फॉर द टास्क. अब जो लीडर है, जो टीम का लीडर है उस टीम का, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि वो टास्क नहीं भी कर रहा है बट उसको देखना है कि उसके जो टीम मेंबर्स हैं वो उनको परफॉर्म कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, बट वो अकाउंटेबल होगा उन चीज़ों के लिए. क्लाइंट में फील इनसिक्योर ना बिकॉज ऑफ डिफरेंट केयर प्रोवाइडर्स, ओनली पार्ट्स ऑफ नर्सिंग केयर प्लान आर नोन टू पर्सनल. अब एक एरिया पे एक पर्सन फोकस कर रहा है तो हम जो कॉम्प्रिहेंसिव केयर की बात करते हैं नर्सिंग में, वो यहाँ पे नहीं हो पाता है. अब उस नर्सिंग केयर प्लान जब भी अगर आप फोकस कर रहे हो तो आपको सिर्फ एक ही पार्ट पे फोकस करना होगा. देन पेशेंट्स गेट कन्फ्यूज्ड एज सो मेनी नर्सेज अटेंड टू देम. एग्जाम्पल, हेड नर्स आती है, मेडिसिन नर्स आती है, ड्रेसिंग नर्स आती है, टेम्परेचर नर्स आती है, वो कन्फ्यूज हो जाएगा ये हो गया है. नेक्स्ट, इट इज़ डिफिकल्ट टू एस्टैब्लिश क्लाइंट प्रायोरिटीज एंड ऑपरेशनलाइज द केयर प्लान रिफ्लेक्टिंग सेम. अब क्या है, जो क्लाइंट की प्रायोरिटीज़ है, हम हमेशा क्या करते हैं जब केयर प्लान बनाते हैं, व्हेन वी फोकस ऑन प्रोवाइडिंग कॉम्प्रिहेंसिव केयर टू द पेशेंट, हम सारी चीज़ों को, सारे एस्पेक्ट्स को देते हैं, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल, देन वी मेक प्रायोरिटीज़. प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, हम उसको हायरार्की देते हैं, उसको अरेंज करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या वो चीज़ नहीं हो पाती है. ठीक, तो इस चीज़ में डिफिकल्टी होती है कि आप क्लाइंट की प्रायोरिटी को नहीं एस्टैब्लिश कर पाते हो इसमें. नाउ वी विल सी द नेक्स्ट method of patient assignment, that is team nursing. So team nursing is developed in 1950s because the functional method receives criticism. अब जो functional method अभी हमने discuss किया उसमें कुछ criticism आया, उसके basis पे फिर और काम किया गया और नया method search किया गया
और देन टीम नर्सिंग को डेवलप किया गया. अ न्यू सिस्टम ऑफ नर्सिंग वॉज डिवाइज टू इम्प्रूव पेशेंट सेटिस्फैक्शन. यहाँ पे मेन फोकस क्या है, सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करना. टीम नर्सिंग इज बेस्ड ऑन फिलोसफी इन विच ग्रुप्स ऑफ प्रोफेशनल एंड नॉन प्रोफेशनल पर्सन वर्क टुगेदर. अब यहाँ पे वैसे पहले भी हमने देखा तो क्या है, कभी भी कोई भी टीम होती है जब आप हॉस्पिटल में देखते हो उसमें प्रोफेशनल्स भी होते हैं और नॉन प्रोफेशनल्स भी होते हैं, तो साथ में मिलकर वो काम करते हैं पेशेंट केयर के लिए. ठीक है, तो यहाँ पे हम उसी चीज़ की बात करें, इसकी फिलोसफी यही है कि जो प्रोफेशनल नॉन प्रोफेशनल है साथ में बैठ के क्या करें, आइडेंटिफाई प्लान इंप्लीमेंट एंड इवेलुएट दी क्लाइंट सेंटर्ड केयर दैट शुड बी कॉम्प्रिहेंसिव इन नेचर. एंड टीम नर्सिंग एन आरएन लीड्स अ टीम कंपोज ऑफ अदर आरएनस एलपीएनस एंड एलवीएनस. तो यहाँ पे क्या, एक आरएन लीडर होगी, रजिस्टर्ड नर्स होगी जो कि एज लीडर होगी, और उसके साथ टीम में कौन होगा, रजिस्टर्ड नर्स और हो सकती हैं, एलपीएन हो गई, एलपीएन लाइसेंस प्रैक्टिस नर्स, देन आपकी एलवीएन हो गए, एलवीएन लाइसेंस्ड वोकेशनल नर्स, एनए हो गए आपके नर्स असिस्टेंट्स और टेक्नीशियंस. द टीम मेंबर्स प्रोवाइड डायरेक्ट पेशेंट केयर टू ग्रुप ऑफ पेशेंट्स अंडर द डायरेक्शन ऑफ आरएन टीम लीडर एंड कोऑर्डिनेटर एफर्ट. अब यहाँ पे क्या देखो, फंक्शनल नर्सिंग में एक स्पेसिफिक टास्क एक जो नर्सिंग पर्सनल था वो कर रहा था, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे ग्रुपों में पेशेंट केयर प्रोवाइड की जाती है. ठीक है, आई मीन पेशेंट एक अगर स्टाफ नर्स है तो उसका पूरा फोकस क्या होगा, वो मिलके जो आपके आरएन है एलवीएन है एलपीएन है वो साथ में मिलके सारे पेशेंट की केयर पे फोकस करते हैं, कोऑर्डिनेटेड विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स एंड सुपरविजन बाय आरएन टीम लीडर. देन चार्ज नर्स डेलीगेट्स अथॉरिटी टू अ टीम लीडर हु मस्ट बी अ प्रोफेशनल नर्स. अब क्या है, जो यहाँ पे इंचार्ज है वो डेलीगेट करती है, वो पहले क्या करती है, टीम लीडर्स बनाती है, जैसे आरएन टीम लीडर अभी हमने देखा जिसके अंडर पूरी टीम मेंबर्स होते हैं. ठीक है, वो टीम लीडर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपकी टीम है, आप अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करो अपनी टीम के साथ. दिस नर्स लीड्स द टीम यूजुअली ऑफ 4 to 6 मेंबर्स इन द केयर ऑफ 15 to 25 पेशेंट्स. अब ये जो टीम है जो कि चार्ज इंचार्ज नर्स ने डेलीगेट की है टीम लीडर को या टीम लीडर्स को, है ना, तो वो टीम टीम में कितने लोग होंगे, 4 to 6 मेंबर्स हो जाते हैं. अब आप उसमें और भी मेंबर्स बढ़ा सकते हो, LVN, MPN के नंबर्स इंक्रीज हो सकते हैं, RN के नंबर इंक्रीज हो सकते हैं, जो नर्सेज हैं रजिस्टर्ड उनके नंबर इंक्रीज हो सकते हैं. तो 4 to 6 मेंबर्स की टीम होती है जो कि 15 to 25 पेशेंट्स की केयर देती को केयर देती है. द टीम लीडर असाइंस टास्क स्केड्यूल्स केयर एंड इंस्ट्रक्ट्स टीम मेंबर्स इन द डिटेल्स ऑफ केयर. अब क्या है, टीम लीडर जो होगा, जो भी रजिस्टर्ड नर्स लीडर एज ए लीडर काम करेगी इस टीम में, तो वो टास्क असाइन करती है, जो लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, केयर को स्केड्यूल करती है कि कौन सी केयर कैसे देनी है, कब देनी है कौन सी केयर, और इंस्ट्रक्ट करती है टीम मेंबर्स को कि किस तरीके से आपको केयर को प्रोवाइड करना है. कॉन्फ्रेंस इज हेल्ड एट द बिगनिंग एंड एट एंड ऑफ द ईच शिफ्ट. अब टीम को काम करने के लिए डिस्कशन करना जरूरी है, तो ये टीम क्या करती है, एक कॉन्फ्रेंस होती है, एक छोटी सी मीटिंग होती है, वो स्टार्ट पेशेंट से डील करने से पहले वो डिस्कस करते हैं, फिर लास्ट में देखते हैं इवेलुएट करते हैं कि जो जो इंस्ट्रक्ट की गई, जो जो टास्क असाइन किए गए, जो जो केयर स्केड्यूल की गई, वो परफॉर्म किस तरीके से हुई और उसके फीडबैक क्या है. The team leader also provides care requiring complex nursing skills and assists the team in evaluating the effectiveness of their care. ठीक है, तो टीम लीडर कभी अगर ज़रूरत है कोई कॉम्प्लेक्स नर्सिंग स्किल्स परफॉर्म करनी है, कोई ऐसा प्रोसीजर दे यूज प्रोसीजर करना है जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है या क्रिटिकल पेशेंट पे आपको करना है, तो वहाँ पे टीम लीडर कहीं ना कहीं से हेल्प भी प्रोवाइड करती है. अच्छा, ये चार्ट है इसका, फॉर एग्जाम्पल अभी हमने देखा था कि जो इंचार्ज नर्स है, जो रजिस्टर्ड नर्स है, वो टीम लीडर बनाएगी, टीम लीडर रजिस्टर्ड नर्सेज होती हैं. ठीक है, उनके साथ टीम में और रजिस्टर्ड नर्सेज हो सकती हैं, आपकी लाइसेंस प्रैक्टिस नर्स हो सकती हैं, आपकी एलवीएनस और एनए हो सकते हैं, नर्स टेक्नीशियंस हो सकते हैं, टेक्नीशियंस हो सकते हैं. ठीक है, और वो जो सब मिलके क्या करते हैं, 15 to 25 ग्रुप ऑफ पेशेंट्स को केयर प्रोवाइड करते हैं. नाउ विल सी द एडवांटेजेस और मेरिट्स. हाई क्वालिटी कॉम्प्रिहेंसिव केयर कैन बी प्रोवाइडेड टू द पेशेंट. अब इस मेथड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम मिलके काम कर रहे हैं एज ए टीम, सारी चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो हाई क्वालिटी कॉम्प्रिहेंसिव केयर वो आप प्रोवाइड कर सकते हैं पेशेंट को. ईच मेंबर ऑफ द टीम इज एबल टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग. अब जब टीम डिस्कस कर रही है, कॉन्फ्रेंस कर रही है बिफोर डीलिंग विद द पेशेंट, तो कहीं ना कहीं से सबको एक चांस मिलता है कि डिसीजन में वो अपने डिसीजन या अपने आइडियाज दे सकें, प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प कर सकें. ईच टीम मेंबर इज एबल टू कॉन्ट्रीब्यूट हिज और हर ओन स्पेशल एक्सपर्टीज और स्किल्स इन केयरिंग फॉर द पेशेंट. हर एक टीम मेंबर क्या करता है, इसके थ्रू जब वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करता है, कॉन्फ्रेंस में वो बैठा है, मीटिंग में वो बैठा है, तो वो अपनी स्किल के अकॉर्डिंग वहाँ पे कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करता है, डिस्कशन में भी और उसके बाद पेशेंट केयर में भी. इम्प्रूव्ड पेशेंट सेटिस्फैक्शन, तो इसका मेन जो हमने स्टार्टिंग फर्स्ट स्लाइड इसकी फर्स्ट स्लाइड में ही देखा था टीम नर्सिंग की, कि पेशेंट सेटिस्फैक्शन पे ज़्यादा फोकस होता है इसका. नेक्स्ट एडवांटेजेस आर फीलिंग्स ऑफ पार्टिसिपेशन एंड बिलोंगिंग आर फैसिलिटेटेड विद टीम मेंबर्स.
अब क्या है, इससे टीम मेंबर्स जब मीटिंग करते हैं पहले, फिर अपने एक्टिविटीज अपनी ड्यूटीज को करके, तो कहीं ना कहीं से वो पार्टिसिपेशन वाली फीलिंग रहती है, बिलोंगिंगनेस की फीलिंग रहती है विद इन द टीम. देन वर्कलोड कैन बी बैलेंस्ड एंड शेयर्ड. अब आप मिलके काम कर रहे हो तो कहीं ना कहीं से वर्कलोड है, किसी एक पे नहीं होता है. डिविजन ऑफ लेबर अलाउस मेंबर्स द अपॉर्चुनिटी टू डेवलप लीडरशिप स्किल्स. यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो टीम लीडर है इस चीज़ को यूज़ करता है, डिविजन ऑफ लेबर को. तो क्या है, हर एक को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है अकॉर्डिंग टू द स्किल्स, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है फॉर लीडरशिप. इसके थ्रू क्या करते हैं, जो लीडर है वो चेंज होते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं से एवरी वन गेट्स द इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर द लीडरशिप स्किल्स. देर इज़ अ वेराइटी इन द डेली असाइनमेंट. ऑफ वेराइटी भी जब आप प्लान करते हो तो वेराइटी पर भी फोकस करते हो कि बोरिंग ना हो जाए आपके लिए ड्यूटीज. अलग अलग ड्यूटीज असाइन कर दी जाती हैं, अलग अलग तरीके से अलग अलग ड्यूटीज भी उनको, हर एक ड्यूटी करने का चांस मिलता है. नर्सिंग केयर आर्स आर यूजली कॉस्ट इफेक्टिव. अब क्या है, आप जब भी टीम में काम करते हो, ये हम सबको ही पता है, वेन एवर वी आर वर्किंग इन अ टीम, तो वी कैन सेव आवर टाइम, वी कैन सेव आवर एफर्ट्स. नेक्स्ट, द क्लाइंट इज एबल टू आइडेंटिफाई पर्सन हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज केयर. कुछ एक टीम के लोग ही उनसे मिल रहे हैं उस टाइम के लिए, तो कहीं ना कहीं से उनको लिए ईजी हो जाता है आइडेंटिफाई करना कि मेरे लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है केयर के लिए. बैरियर्स बिटवीन प्रोफेशनल एंड नॉन प्रोफेशनल वर्कर्स कैन भी मिनिमाइज. अब हमने स्टार्टिंग में देखा था टीम नर्सिंग में प्रोफेशनल्स होते हैं, नॉन प्रोफेशनल्स होते हैं, विद द कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स दे प्रोवाइड केयर टू द पेशेंट्स, है ना. तो यहाँ पे क्या है, जो बैरियर है प्रोफेशनल नॉन प्रोफेशनल के बीच में, वो भी मिनिमाइज होता है क्योंकि उन्हें एज टीम काम करना है. नाउ विल सी द डिसएडवांटेजेस और डीमेरिट्स ऑफ टीम नर्सिंग मेथड. एस्टैब्लिशिंग अ टीम कॉन्सेप्ट टेक्स टाइम, एफर्ट एंड कॉन्स्टेंसी ऑफ पर्सनल. मेयरली असाइनिंग पीपल टू ग्रुप डज नॉट मेक देम अ टीम और ग्रुप. अब क्या है, आप टीम की बात कर रहे हो, एक जब तक टीम अच्छी नहीं होगी, एक अच्छे मेंबर्स की टीम नहीं होगी, तब तक वो जो टास्क है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा अच्छे से. तो एक टीम का अच्छा होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उस पर ही काफ़ी ज़्यादा एफर्ट और टाइम लग जाता है. अनस्टेबल स्टाफिंग पैटर्न मेक टीम नर्सिंग डिफिकल्ट. अगर कोई ऐसा हॉस्पिटल है या अगर कभी कहीं पर अगर ऐसा हो रहा है कि स्टाफिंग पैटर्न ही अनस्टेबल है, स्टाफ चेंज होते रहते हैं, तो वो ये मेथड नहीं यूज़ कर सकते हैं. ऑल पर्सनल मस्ट बी क्लाइंट सेंटर्ड. अब यहाँ पे क्या है, सबका क्लाइंट सेंटर्ड होना बहुत ज़रूरी है. अगर एक या दो मेंबर्स नहीं है तो वो जो टीम एफर्ट है वो ढंग से नहीं लिए जा सकते हैं. देर इज़ लेस इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इंडिपेंडेंस रिगार्डिंग नर्सिंग फंक्शंस. अब यहाँ पे क्या है, इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं होती है, यहाँ पे ग्रुप की रिस्पॉन्सिबिलिटी, टीम लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो इंडिपेंडेंस नहीं होता है एज नर्सिंग एक्शंस को परफॉर्म करने के लिए. देन द टीम लीडर मे नॉट हैव द लीडरशिप स्किल्स रिक्वायर्ड टू इफेक्टिवली डायरेक्ट द टीम एंड क्रिएट अ टीम स्पिरिट. अब यहाँ पे क्या है, अगर लीडरशिप स्किल नहीं है टीम लीडर की, आप जैसे हमने बोला कि लीडर सबको चांस मिलता है लीडरशिप स्किल को परफॉर्म करने का, तो अगर कोई ऐसा पर्सन आया जिसमें लीडरशिप स्किल नहीं है, तो कहीं ना कहीं से वो chaos हो जाएगा, वो टीम अच्छे से काम नहीं कर पाएगी. इट इज़ एक्सपेंसिव बिकॉज ऑफ द इंक्रीज नंबर ऑफ पर्सनल नीडेड. अब यहाँ पे क्या, हमें ज़्यादा लोग चाहिए, ज़्यादा पर्सनल चाहिए. आपको टीम बनानी है, एटलीस्ट आपके पास चार लोग उस टीम में होने चाहिए. ज़्यादा पेशेंट्स हैं तो आपके पास, आपको दो टीम बनानी है तो आपको 8 लोग चाहिए, ठीक है, कम से कम एटलीस्ट. तो कहीं ना कहीं से थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाएगा, क्योंकि आपको हर एक पर्सनल को उसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन को सैलरी भी प्रोवाइड करना है, ठीक. नर्सेज आर नॉट ऑलवेज असाइन टू द सेम पेशेंट ईच डे विच कॉजेज लैक ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ केयर. अब हमने बोला कि काफ़ी टाइम क्या होता है, हम टीम में काम कर रहे हैं पर जो टीम है उनको वेराइटी ऑफ टास्क दिए जाते हैं. तो टास्क हो सकता है किसी पेशेंट में कल हुआ हो, आज उसकी रिक्वायरमेंट ना हो, या फिर जो ड्यूटी सब चेंज हो गई वो अब उस पेशेंट के लिए ना हो. तो कहीं ना कहीं से क्या है, आप अलग अलग पेशेंट्स आपको मिल रहे हैं, ठीक है, तो वो कंटिन्यूटी ऑफ केयर भी यहाँ पे वो कम हो जाती है. टास्क ओरिएंटेशन ऑफ द मॉडल लीड्स टू फ्रेगमेंटेशन ऑफ पेशेंट केयर एंड द लैक ऑफ टाइम द टीम लीडर स्पेंड्स विद द पेशेंट. टीम लीडर का फोकस क्या है, अपने जो टीम मेंबर्स हैं उन पे फोकस ज़्यादा होता है उनका, ना वो फोकस होते हैं उनके, तो कहीं ना कहीं सब पेशेंट केयर पे उनका फोकस नहीं हो पाता है ना. वो ये देख नहीं पाते वो पेशेंट केयर इफेक्टिव हो पा रही है नहीं पा रही है. जो भी टीम मेंबर्स रिस्पॉन्स करेंगे ज़्यादा टाइम, अगर मतलब टाइम, या तो टाइम बहुत निकालना पड़ेगा, अदरवाइज उनके पास इतना टाइम नहीं रह जाएगा, सुपरविजन में ही वो टाइम निकल जाएगा, वो उस चीज़ को कर नहीं पाएंगे, और उनका जो रिलेशनशिप है वो, मतलब जो टाइम उन्हें पेशेंट को भी देना चाहिए वो नहीं दे पाते हैं.